अपने सरों को झुकाएं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, फिर से हम आपके पास आते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें पूरे सप्ताह भर सुरक्षित रखा है और इस सबत के शुरुआत में हम आपके भवन में उपस्थित हो पाते हैं। आपने हमें ये मौका दिया है प्रभु, और हम आपके स्तुति आराधना के लिए आपके भवन में आए हैं। हमारे साथ रहिए, हमारे बीच में होइए पिता, और हम यहाँ जितने भी उपस्थित हैं हम सभी के साथ रहिए। सभी के दुख तकलीफ रोग बीमारी को आप जानते हैं पिता, सभी के आप सुधि लीजिए। प्रार्थना करते हैं आज के दिन जहाँ कहीं भी आपके नाम से आराधनाएं हो रही हैं प्रभु, उनके बीच में भी आप उपस्थित होइए, उन्हें भी आशीष दीजिए। और प्रार्थना करते हैं मंडली के प्रत्येक सदस्यों के लिए, अगर कोई दुख तकलीफ में है, बीमार में है पिता, तो आप उनकी भी सुधि लीजिए। और क्या मांगे पिता, इस वक्त मेरे साथ रहिए, आपके वचनों को मैं बोलूँगी तो आप सब कुछ आपके ओर से हो सके, और शैतान को दूर ले जाइए और हमारे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो बहुत सा बात हमें दृष्टांतों में बताया करते थे उनके चेलों को, और वो उनको समझ में आए इसीलिए वो दृष्टांत बोल के बताया करते थे। तो हम भी आज एक दृष्टांत से देखेंगे। ये दृष्टांत हमने बहुत बार पढ़ा है, सुना है, और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी ईश्वर का वचन जितना भी पढ़ने से हमें नया लगता है। आज हम देखेंगे लुका पंद्रह, और ये जो दृष्टांत है उड़ाव पुत्र के बारे में। उड़ाव पुत्र के बारे में हमने बहुत बार सुना है, तो यहीं से हम देखेंगे कि एक मनुष्य के दो बेटे थे, दो पुत्र थे, और जो छोटा वाला था वो बोलता है कि मेरे हिस्से का जितना भी धन संपत्ति है सब दे दो, बोलता है उसका बाबा को। और तो उसका बाबा वो दे देता है उसको। उसके बाद थोड़े दिन तक वो साथ में रहता है, उसके बाद वो अपना जितना भी पैसा और जो भी था धन उन सब लेके वो दूसरा देश चला जाता है। तो दूसरा देश चला जाता है तो जब तक उसके पास पैसा कौड़ी रहता है तब तक तो
उसके जितने भी दोस्त थे उन उसके साथ रहते हैं, और जो उसका मन में आता था वही वो करता था, और अच्छा काम तो नहीं लेकिन गलत काम ही करता था। तो जितना दिन उसके पास धन संपत्ति था, उसके दोस्त उसके साथ मौज मस्ती करते रहे। उसके बाद जब जो देश में वो गया था वहाँ अकाल आ गया, अकाल पड़ गया, खाने पीने का लोगों के पास मुश्किल होने लगा, उसके पास भी सब उसका पैसा जितना था सब ख़त्म हो गया। अब वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो वो किसी का घर में सुअर चराने का काम करता है, और सुअर चराने का काम करता है तो उसका जो मालिक है सुअर का, वो बोलता है कि तुम यही सुअर का खाना खाओ और उसे और कुछ भी नहीं देता था, वो खाली वही सुअर का खाना खाने बोलता था। तो उसे जब वो खाना खाता था सुअर का, तब उसे याद आता था उसका उसका पिता का घर में के नौकर चाकर को भी कितने अच्छे अच्छे खाना पीना मिलता है, और वो उसके नौकर चाकर भी कितने अच्छे से रहते हैं। तो यहाँ पर वो याद करता है कि मेरे घर में तो नौकर चाकर भी इस कितना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, और मैं यहाँ आके ऐसा सुअर का खाना मुझको खाना पड़ रहा है। तब लास्ट में वो सोचता है, यहाँ हम देखेंगे 18 से पढ़ेंगे, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख, बोलता है। एक मजदूर, एक काम करने वाले के समान मुझे रख अपने घर में, बोलता है, क्योंकि वो तो जितना उसका भाग का धन संपत्ति था सब उड़ा देता है। अब वो क्या बोल के वो वापस आएगा घर? तो उस समय उसको पछतावा होता है कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया है, हाँ अब मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा? तो उस समय वो पछताता है और अपने पिता का घर को याद करता है, और तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही में था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो गलत करता है और बहुत उसे मन में उस समय लगता है कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया, और उसे पछतावा होता है, पश्चाताप करता है। और घर जब वापस लौटता है तो उसका जो पिता रहता है वो नहीं बोलता है कि मेरे घर में मत आओ, कि मैं तुमको नहीं रखूँगा, लेकिन वो तो उसका इंतज़ार करते रहता है कि मेरा बेटा कब लौट आएगा और मैं उसे देखूँगा बोल के। तब वो दूर ही से देखता है कि उसका बेटा आ रहा है, तो एकदम बुरी हालत में शायद रहता है, वो फटे पुराने कपड़े पहने रहता है शायद, लेकिन फिर भी उसका पिता उसे गले लगाता है और उसे चूमा भी करता है। तब परंतु पिता ने अपने दासों से कहा,
झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। शायद उसका कपड़ा भी फटा पुराना था और उसके पैर में चप्पल भी नहीं था। तो उसका पिताजी बोलता है अपने जो नौकर रहते हैं उन लोग को कि जाओ अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ और उसे पैर में जूती पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। और यहाँ पर उन लोग उसका पिताजी बहुत खुशी हुआ कि मेरा बेटा वापस आ गया और खुशी से वो बछड़ा कटवाता है और वो खुशी मनाता है। परंतु उसका जो बड़ा वाला बेटा रहता है वो तो हमेशा उसके साथ ही रहता है और उसी की सेवा करता है, उसका जो काम काज सब वही देखता है। तो उसको वो अच्छा नहीं लगता है कि उसने एक दास को बुलाकर पूछा यह क्या हो रहा है। उसका जो बड़ा बेटा था खेत में गया था, जब वो वापस आता है तो देखता है बहुत खुशी मना रहे हैं, तो क्या बात है। उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया, गुस्सा उसको आ रहा है और भीतर वो घर का अंदर भी नहीं जाना चाह रहा है। परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। वो बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं मुझे तो आपने कभी भी बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद करूं, खुशी मनाऊं। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। वो बहुत गुस्सा होता है, तेरा बेटा इतना गलत काम किया, सब संपत्ति उड़ा दिया, फिर भी तू उसके लिए खुशी मना रहा है और तू उसके लिए उसे घर में आने दिया और उसके लिए खुशी मना रहा है, बोल के वो बहुत गुस्सा होता है। उसने उससे कहा पुत्र तू तो सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद कर करना और मगन होना चाहिए क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, सो गया खो गया था अब मिल गया है। यहाँ हम खोया हुआ का दृष्टांत यहाँ देखते हैं कि उड़ाव पुत्र भी वैसे ही अपने घर से दूसरे देश को चला गया और अपना सब धन संपत्ति उड़ा दिया और फिर वो अपने घर को याद करता है और वापस आता है, पछताता है। इसी तरह हम भी बहुत से लोग और हम भी ऐसा करते हैं, ईश्वर से हम दूर हो जाते हैं लेकिन ईश्वर पिता हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं और वो हमेशा जो ईश्वर के रास्ते में नहीं चल रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, ईश्वर उन्हें अपने पास बुलाता है कि आओ मेरे पास बोल के। और हम यहाँ से सीख सकते हैं कि जब हम भटक जाते हैं और हम पछतावा करते हैं तो ईश्वर पिता हमें नहीं छोड़ता है, हमें अपने पास बुलाता है, अपने गले से लगाता है और हमें माफ़ भी कर देता है कि हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं लेकिन हम पछताप भी कर रहे हैं।
तो इससे हम यही सीख सकते हैं। और ईश्वर, इस बार मैं और एक वचन पढ़ूंगी आखिरी। जो मिलता है सभा उपदेशक, सभा उपदेशक 11 उसका 9, यहाँ जवानों के लिए सलाह है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यहाँ जवानों के बारे में बोल रहा है, लेकिन वचन तो सबके लिए है। और हम इस वचन से सीख सकते हैं कि हम अपने इच्छा अनुसार बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ईश्वर उनका न्याय करेगा, हर एक बातों का न्याय करेगा। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे।